कैमरे बंद है। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ लिमिटेड आई वेलकम जेंटलमैन एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी ब्रीफ यू परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सेल रेवेन्यू इंक्रीज बाय 34% फ्रॉम रुपीज 8.722 बिलियन टू रुपीज 11.715 बिलियन। टोटल कंपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय 32% फ्रॉम रुपीज 7.9 बिलियन टू रुपीज 10.5 बिलियन। ग्रोस प्रॉफिट इंक्रीज बाय 61% फ्रॉम रुपीज 727 मिलियन 1.168 बिलियन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 12% फ्रॉम रुपीज 116 मिलियन टू रुपीज 130 मिलियन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यूज्ड फ्रॉम 757 मिलियन टू रुपीज 686 मिलियन डिस्पाइट द 32% इंक्रीज इन रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप। एक्चुअली लास्ट ईयर we booked operating loss of rupees 147 million. This year we earned operating profit of rupees 351 million. Financial charges reduced by 55% from rupees 403 million in last year to rupees 181 this year. After provide fraud F and exchange, we booked the profit before tax of rupees 126 million as compared to 45 million loss last year. After tax, last year the company booked a loss of 59 billion. This year company operated at break-even point. This is the financial highlights, the performance of the company for the year ended 31 March 2021. Now may I request for any questions, observations from the learned friend? Can you all hear me? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं ये आपके कंपेटिटर्स को भी देख रहा था, प्रॉब्ली ये साल उनका एज अपोज टू व्हाट एक्साइड हैज गॉन थ्रू, क्या वजूहत हैं इसमें? क्योंकि ये परसिस्टेंट कंपनी लॉसेस या ब्रेक इवन में ही है, तो वजूहत हैं और इसको रेक्टिफाई करने के क्या? परसिस्टेंट तो नहीं है, बेसिकली ये लास्ट टू ईयर से लॉसेस आने शुरू हुए हैं। ऐसे हम अल्लाह का शुक्र प्रॉफिट ही कमाते रहे हैं। हमारा बिफोर टैक्स प्रॉफिट 600 मिलियन से ऊपर गया है, हमारा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हमारा दो साल यही है, और उसके और कोई मतलब परसिस्टेंसी नहीं है। इस साल हम ब्रेक एवन किया है हमने। तो दूसरा आपका सवाल था बेसिकली एटलस बैटरी के मुताबिक। एटलस बैटरी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, उन्होंने प्राइस इंक्रीज जो कॉस्ट इंक्रीज आए पास ऑन नहीं कर पाए, बिकॉज हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कंबाइंड है फ्रॉम ओसाका बैटरी, सेंचुरी इंजीनियरिंग बैटरी और 4G बैटरी के साथ कंबाइंड। उसकी वजह से प्राइस मतलब ओसाका बैटरी इंक्रीज नहीं की, तो हम कॉस्ट इंक्रीज जो आ रहा था वो प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाए। जितनी हम कर सकते थे किया, उसके अल्लाह का शुक्र हम ब्रेक इवन पॉइंट गए हैं। फिर हमारी बॉटम लाइन हमारी ग्रो कर रही है, 34% इंक्रीज आया है सेल्स के अंदर हमारा। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई तरीके की बैटरीज आ रही हैं, ट्यूबुलर बैटरी तो पहले थी,
अब ये कुछ कैपेसिटी की तरफ भी कुछ प्लेयर जा रहे हैं, इस बैटरी के हवाले से आपका क्या व्यू है और आपका कोई इस पे प्लान है? एक्चुअली ट्यूबलर बैटरी में हम ऑलरेडी है, लास्ट ईयर से हम ट्यूबलर बैटरी कर रहे हैं, हम वी आर डूइंग द ट्यूबलर बिजनेस। अब जो आप बात कर रहे हैं जो बैटरी आ रही है कार, जो इलेक्ट्रिक कार आ रही है, वो भी वक्त लगेगा, उसका लगेगा तो डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचेगा इसके ऊपर। अभी इतना बड़ा कोई वॉल्यूम नहीं है उन बैटरियों, उन गाड़ियों का जो इलेक्ट्रिक कारें हैं। मेंटेनेंस फ्री बैटरी हम ऑलरेडी पहले बना रहे हैं हम। एक बार मैं और अर्ज़ कर दूं कि हमारा ब्रेक वन पॉइंट हमारा यूं हुआ है बेसिकली कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क साका बैटरी का, सेंचुरी इंजीनियरिंग का, ब्रिश पावर का, सबका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसमें ओसाका बैटरी वाला जो है मैन्युफैक्चरर, जो उसका नाम है पाकिस्तान एक्वलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो स्ट्रेस वगैरह की इवेजन बहुत कर, उसकी इवेजन की वजह से वो डिस्काउंट अंडर कटिंग करता है और उसकी वजह से वो प्राइस इंक्रीज नहीं करता वो, और उस पर प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी शिकायत की है इसकी, कि ये इवेजन हो रही है, ये अनफेयर कंपटीशन के अंदर आती है, तो FCCP ने भी कोई उस पर एक्शन नहीं लिया है। सर एक ये बात बताएं कि आगे आप मार्केट को कैसे देखते हैं बैटरीज की? आप लोड शेडिंग भी कम हो गई है, आपकी यूपीएस की तरफ से डिमांड कम हो गई है, तो कैसे देख रहे हैं आगे डिमांड साइड मार्केट की? पाकिस्तान में देखा ऑटोमोबाइल सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है, तो उसमें ये ग्रोथ आ रही है, अल्लाह का एहसान है कि मतलब लोकल मार्केट ग्रो कर रही है बैटरी की भी, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ग्रोथ है। आपके अखबारों के अंदर अनप्रेसिडेंटेड मतलब ये भी है कि जो मार्कअप है वो ड्रास्टिकली कम को पाकिस्तान ने, सर वो तो ऑटो में तो आ रही है ग्रोथ, लेकिन आपकी कैपेसिटी जो सप्लाई साइड है वो भी ठीक ओवर सप्लाइड है आपकी बैटरी मार्केट, उससे नजरिए से आप कैसे? अभी तो ओवर सप्लाइड मार्केट है, हर कंपटीशन तो बढ़ेगा, कंपटीशन तो बढ़ना है। इस वक्त तमाम मैन्युफैक्चरर फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं अपनी। ठीक है, शुक्रिया। सर ट्रीट को कैसे देख रहे हैं? सर ट्रीट जो है वो डेवो बैटरीज लाया है, ट्रीट तो हाँ, मेरे ख्याल में तो बहुत प्रॉब्लम है, इतनी सेल इतनी बढ़नी पा रही होंगी, ग्रोथ है उनकी भी लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं है उनकी, मार्केट से ग्रोथ होगी एक कॉर्पोरेशन की। आपका मार्केट शेयर कितना है? हमारा मार्केट शेयर तकरीबन कोई 20-25% मार्केट शेयर है हमारा, यानी कम हुआ है या बढ़ा है या बढ़ेंगे तो मार्केट शेयर कम होगा ऑब्वियसली, सभी का मार्केट शेयर कम हुआ है। सर मुझे पूछा था कि एक तो आपका जो ये लास्ट क्वार्टर प्रॉफिटी काफी अच्छी खासी गेन हुई है, तो इसकी वजह कि आपने क्या प्राइसिंग की है या रॉ मटेरियल प्राइस कम हुई है? कुछ प्राइस इंक्रीज भी हमने की थी बेसिकली लास्ट क्वार्टर में, उसका भी इम्पैक्ट आया हमारे पास, कोई अराउंड 10% प्राइस इंक्रीज भी की थी हमने। आपने कहा
तो सर वो ऐसे क्या करें जो आप नहीं कर पा रहा था, तो उनका अलग से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आप कमा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलग क्यों बजाय खोलने जा रहे हैं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलग करने की, अपना कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब क्या मतलब अब एक ही शॉप पे वो एक्साइड और उसका के साथ दिखती है, लेकिन एक ये अलग शॉप दिखती है, अभी कहना चाह रहे हैं? हाँ जी 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 ठीक है। और फिर आपका अगले क्वार्टर क्वार्टर अप्रैल मई के अंदर जो है लॉकडाउन लगा हुआ था पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से, तो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो थी या फैक्ट्री थी हमारी डेढ़ महीने बंद रही हमारी फैक्ट्री, और स्टॉक्स इन हैंड भी नहीं था हमारे पास, हम सेल नहीं कर पाए थे, हमें बहुत शदीद लॉसेस हुए थे उसके मतलब डेढ़ महीने के अंदर। तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा बड़ा लॉस में गया था, अगर आप देखें उसका, तो उसकी वजह से वो हमने अल्लाह का शुक्र आगे जाके लिया, हमने वो लॉसेस हमने तो ब्रेक इवन हुए, अगर प्रॉब्लम ना होती तो हम प्रॉफिट में आ जाते हम। जितने भी चाइनीज असेंबलर आए इनको कर रहे हैं हम, ये में मार्केट शेयर है हमारा। नहीं यार ये अप्रोक्सीमेटली कोई भी नहीं है, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं आपको पहले बताऊं कि मतलब ओईएम के अंदर जो टोटल सेल्स का इतना सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर नहीं है उसके अंदर, ओईएम के अंदर। हम लोग सोलर मार्केट कर रहे हैं, तो आपका जो सेल्स है उसका कितना परसेंट सोलर बैटरी हो जाता है? सोलर तो यार अभी नया बिजनेस है, बहुत ही नेगलिजिबल है अभी, इतना नया बिजनेस हमारे लिए ना अभी तो। अच्छा, मेजॉरिटी से बाकी भी जो कार और मैन्युफैक्चरर भी जा रही है, ये तो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, कोशिश कर रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएं, सोलर के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में जाएं, बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएं, उस तरफ जो नया बिजनेस है हमारे लिए, नई अपॉर्चुनिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी की। सर जैसे आपने अभी बताया कि आपका मार्केट शेयर 21% है, सर ये शेयर आपका पिछले साल मार्केट शेयर कितना है और फ्यूचर में आप क्या फोर्सी करते हैं कि ये शेयर की मार्केट शेयर कितना हो? कोशिश कर रहे हैं मार्केट शेयर बढ़ाने की, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट शेयर बढ़ाने की, ठीक फुल एफर्ट्स कर रहे हैं। सर पिछले साल कितना था ये? इतना ही था पिछले साल भी, ठीक है सर। सर ये जो आपकी ट्यूबुलर बैटरीज हैं इनके साइकिल्स कितने हैं, इनकी लाइफ कितनी है, और ये लिथियम आयन से सब्स्टिट्यूट हो सकता है? यार ये इसकी साइकिल लाइफ साइकिल तकरीबन 2.5 से 3 साल की लाइफ साइकिल है इसकी ट्यूबुलर बैटरी की। सर मुझे ये पूछना था कि आपका जो लास्ट क्वार्टर आप बता रहे हैं कि अक्रूवल्स के प्रोविजन, सर उसका अमाउंट बता सकते हैं कि क्या अमाउंट था जो रिवर्सल्स आए किस हेड के अंदर आए हैं? देखो वो तो बुक्स ऑफ मतलब बुक्स के अंदर ले जाएंगे ना, मुश्किल है, लेकिन एक प्रोविजंस के अलावा प्राइस इंक्रीज भी आया हमारा, उसकी वजह से रन किया हमने। अच्छा तो सर कितना कंट्रीब्यूशन रिवर्सल्स का है, कितना प्राइस इंक्रीज का है? मेरे ख्याल में 50% का ही होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। बुक्स के अंदर सर रिवर्सल्स आए हैं लेड तकरीबन 60% कॉन्स्टिट्यूट करता है लोगों कॉस्ट का।
अच्छा सर, फ्यूचर में हम देखते हैं अगर इलेक्ट्रिक प्राइसेस बढ़ती हैं तो इस पे क्या रहेगा? हम कोशिश करेंगे प्राइस इंक्रीज करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कोशिश करेंगे, डिपेंड ऑन द मार्केट कंपटीशन। मेरा आपसे ये सवाल था कि जो आपके जिसमें आपने अभी बताया कि 60% कंस्टिट्यूट करता है रॉ मटेरियल, तो आपके जो रॉ मटेरियल की मेन कॉम्पोजिशन है मोटी मोटी वो क्या है, और जो आप लोग प्रोक्योर करते हैं रॉ मटेरियल वो कहाँ से करते हैं? लैड जो है ना बेसिकली लोकली मिल जाता है, पिछले दिनों शॉर्टेज सिर्फ हमने इम्पोर्ट भी किया है। लैड जो ये बैटरी से दोबारा रिसाइकिल होकर आता है दोबारा मार्केट के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मेरा सवाल विद रिस्पेक्ट टू जो है ओवरऑल सर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पिछले दो सालों में तो बहुत ही मुश्किल रही थी, पर्टिकुलरली ट्रीट कॉर्पोरेशन के आने के बाद, तो कैप्चर कर लिया है, नॉर्मल हुई है, आपको लग रहा है ओवरऑल फील क्या है? नहीं अब से यार बेसिकली ट्रीट कॉर्पोरेशन के आने के बाद तो कोई मार्केट पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा था, तो ट्रीट कॉर्पोरेशन फेयरली बिजनेस कर रहे हैं। बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम आई है ये ओसाका बैटरी जो है जो बनाने वाले हैं पाकिस्तान एक्युमुलेटर्स द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स, इसके हमने कंप्लेंट भी की है, टैक्स अवेट करते हैं तो डिस्काउंट ज्यादा कट करते हैं, डिस्काउंटिंग व्यवहार चलाते हैं बेसिकली वो। जाहिर है जो हम जो कंपनियां जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और जो ये मेल प्रैक्टिसेस नहीं करती हैं वो फेस करती हैं, वो जो है बेसिकली वो उसकी एक्टिविटीज जो है ना हर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाली एक्टिविटीज है उसकी। तो आप कह रहे हैं सर ओसाका ने ज्यादा हर्ट किया है रिलेटिव टू ट्रेड कॉर्पोरेशन बिकॉज़ ऑफ अनफेयर बिजनेस? यस, हां ऐसे ही। यस ओके सर, ये जो नया ड्राई बैटरीज का इमर्ज हुआ है मेंटेनेंस फ्री, आप लोगों को नहीं लग रहा आपको भी इस आ जाना चाहिए? मुझे नहीं पता आप लोगों का है नहीं, मेरे भाई हम तो पिछले चार साल से हम ड्राई बैटरी में हैं भाई। सर कुछ विजिबिलिटी इसमें कम है बिकॉज हमें एज सच कोई बैटरी खरीदने जाते हैं तो कोई ना मार्केट कर रहा होता है ना उसको पिच कर रहा होता है। और तीसरा सवाल सर, ये सोलर को आप किस तरह देख रहे हैं अगले 5 सालों में? क्या ये बहुत मटेरियली लार्ज सेगमेंट और ये सोलर के बैटरीज भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही हैं जो आप लोग बनाते हैं, कोई खास डिफरेंस? ट्यूबलर बैटरी, हां ट्यूबलर बैटरी चलती है इसके अंदर, वी आर मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, आपका जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है वो एटलस बैटरी से डबल एज कंपेयर्ड टू योर सेल्स, सो इसका कोई रीजन के आपका? हाँ मेरे भाई, अगर लाइन बाय लाइन कंपैरिजन करेंगे ना तो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक्सपेंस आता है बैटरी गारंटी क्लेम, वो सब्सटेंशियल एक्सपेंस होता है, और एटलस बैटरी का भी सब्सटेंशियल एक्सपेंस है। एटलस बैटरी वो चार्ज करती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, हम चार्ज करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये फर्क है। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली तस्नीम साहब। जी जी सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान है सर। ये एक सवाल पूछा था कि आगे 5 साल की तरह 3 साल का बता दें कि आगे आप क्या देखते हैं मार्केट में मार्जिन्स का, और आगे क्या देखते हैं कि अपनी कंपनी का? मार्जिन मैं कमेंट नहीं कर सकता तस्वीर साहब, लेकिन बिजनेस ग्रोथ होगी, सेक्टर में बहुत ग्रोथ है। थोड़ा अंदाजा बता दें कि बिजनेस ग्रोथ आप कितना देखना देख रहे हैं, कर रहे हैं परसेंटेज फॉर्म में? 10-15% देखे तो हमारी ग्रोथ बहुत है, लेकिन आगे जाके वो ग्रोथ नहीं रहेंगी, 10-15% आएगी डेफिनेटली।
10% ठीक है, और जो और आपने जो मार्केट शेयर का बताया 21%, ये अगले 3 सालों में कितना आप देखते हैं, कितना ग्रो कर सकता है एक अंदर? कोशिश तो कवर लेके जाएं, हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और सर ये जो आपने सोलर टेक्नोलॉजी की बात कही थी, ये आपको क्या लगता है कि ये अगले 5 सालों में आप लोग रिड्यूस कर पाएंगे, इस पे आएंगे लाइन ले आएंगे? काम कर रहा है, काम कर रहे हैं इस पर, बहुत बायोग्रेसिव काम कर रहे हैं। हमने काफी प्रोजेक्ट किए भी हैं, जीएसके के भी किए हैं, रजाक स्टील के भी किए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के भी किए हैं, हमने प्रोजेक्ट भी किए हमने। ठीक, मतलब ये डोमेस्टिक के अलावा हमने मतलब ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर भी गए हम। ठीक है, थैंक यू सर। सर अभी ये वॉल्यूमेट्रिक आपके सिर रखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक की मतलब क्योंकि आपका कुछ प्रोजेक्ट जैसे कि वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम तो यार मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है भाई। वो तो इंडस्ट्री का भी मजा है, मैं कह नहीं सकता यार कितनी इंडस्ट्री की वॉल्यूमेट्रिक से। ठीक है, सर ये आपकी जो ट्यूबलर बैटरी का सेगमेंट है उसमें आपकी एनुअल डिमांड कितनी है और लास्ट ईयर कितनी वॉल्यूमेट्रिक सेल्स हुई थी? यार अभी तो ट्यूबलर बैटरी स्टार्ट हुई है, इतना बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ग्रो कर रही है। यस इट इज ग्रोइंग। लास्ट ब्रीफिंग में आपने बताया था कि 4-5 हज़ार यूनिट्स बिक रहे हैं एनुअली, और आप लोग प्लान कर डिमांड आएगी तो हम एक्सपेंड की तरफ भी जाएंगे। हम एक्सपेंड करेंगे बिल्कुल, डेफिनेटली। हम ट्यूबलर बैटरी पहले एक्साइड ब्रांड में थी, अब हमने बनानी शुरू कर दी है ट्यूबलर बैटरी। यस करंट कैपेसिटी कितनी है और आपका क्या प्लान है, कितने कैपेसिटी तक एक्सपेंड करना है? यस देख कैपेसिटी मैं नहीं बताऊ, रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो भी टेंशन इज गुड, मतलब हम बिल्कुल एफर्ट्स में लगे हुए हर तरह से प्रॉफिट कमाने के या बिजनेस इंप्रूव करने के, हर तरह से हम बिजनेस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हर सेगमेंट से, हर यूनिट से, हर सेगमेंट से। अच्छा सर आपने बताया कि आप लोगों ने प्राइस बढ़ाई है 10% से लास्ट क्वार्टर, करंटली आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस अभी क्या प्राइस पे बैटरी मिल रही है और इज इट कंपेरेबल टू ओसाका या उससे महंगी है? अभी तो बराबर बैटरी हमारे प्राइसेस हमारे। और कितनी प्राइसेस है? ये तो बैटरी टू बैटरी वेरी कर, 70 टाइप की बैटरीज हैं, 60-70 टाइप की बैटरीज हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। Hey gentlemen, can I take the permission from you? तकरीबन एक साल ही हुआ है स्टार्ट हुए प्रोजेक्ट, और हमने 300-400-800 मेगावाट के किलोवाट के किए हैं हमने। इसका जो रॉ मटेरियल आप कहाँ से ले रहे हैं? रॉ मटेरियल तो होता नहीं, इसको तो यार दो ही चीज होती है, इसके अंदर तो पैनल होता है, पीवीसी क्या कहते हैं उसको, पी पैनल होता है इसका, और बेसिकली इसका इन्वर्टर होता है, वो चाइना से आ रहा है, लेकिन चाइना का जो टियर वन प्रोडक्ट है हमारे पास। सर प्राइसिंग स्ट्रक्चर बता सकते हैं इसका, प्राइसिंग एंड ड्यूटी स्ट्रक्चर? ये डिफरेंट है, मतलब प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो है इसका बेसिकली, और ड्यूटी स्ट्रक्चर कौन कौन सा? ड्यूटी तो इसमें मतलब नहीं है, इस पे टैक्सेस नहीं है इसको, टैक्स फ्री। सर ट्यूबलर की एप्लीकेशन क्या है, मतलब किस किस एरिया में? ट्यूबलर बैटरी बेसिकली सोलर पैनल, सोलर बैटरी कितना कंट्रीब्यूशन होगा ज्यादा कंट्रीब्यूशन, लेकिन इतनी बड़ी कोई कैपेसिटी नहीं है इसकी, मतलब अराउंड 5% होगा एटलीस्ट। 5% ठीक है सर, थैंक यू मच। थैंक यू जेंटलमैन, कैन आई एंड द
ये मीटिंग जी सर, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।